नमस्कार जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ में तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें फरीदाबाद में सब्जियों का स्वाद बढ़ाने वाला टमाटर इन दिनों सब्जी मंडी में बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। टमाटर के भाव 100 रुपए प्रति किलो हो गए, जिसके चलते लोग जहां एक किलो खरीदते थे अब आधा किलो या एक पाव ही खरीद कर अपनी सब्जी का स्वाद बढ़ा रहे हैं। सब्जी खरीदने आए लोगों ने कहा कि बाकी सब्जियां जैसे फूलगोभी 50 से 60 रुपए किलो, बंद गोभी 50 रुपए किलो, लेकिन इन सब्जियों में ज्यादा महंगा टमाटर है, जिसका असर जेब पर पड़ने लगा है। यहाँ टमाटर भी लिया है कुछ, जहाँ एक किलो लेते थे वहाँ पाव भर लिया। सब्जी महंगी होने की वजह से नहीं खरीद पाते, क्या करें? कुछ पता चल पाया क्यों महंगी हो रही है? ये बीच में आए, ये बीच में कमीशन खो रहे हैं जो ये खाते हैं। सारी महंगी, गोभी महंगी है, बैंगन महंगे हैं, टमाटर महंगा है, सबसे ज्यादा कौन सी हरी मिर्च महंगी है? सबसे ज्यादा हरी मिर्च। सबसे पहले तो भैया क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला घर में सारी सब्जियों के साथ में यूज होता है जो है टमाटर। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज लहसुन है तुम्हारा, दोनों चीजें महंगी है, प्याज भी महंगी है। आज की डेट में तुम्हारा लहसुन 280 रुपए किलो बिक रहा है, और टमाटर है, टमाटर 100 रुपए किलो है, 90 रुपए किलो भी है, और जो बिल्कुल ज्यादा छोटी गोली में गोली टाइप का जो टमाटर आता है वो 60-70 रुपए किलो बिक रहा है। तो हो सकता है पीछे से ट्रांसपोर्टर पर माल कम आ रहा है, पीछे से किसानों के पास माल कम है, इसीलिए माल कमाने के कारण से सौदे महंगे हैं। और कुछ क्या, आड़तों पर सौदे जब थोड़ी शॉर्टेज हो जाती सौदे की, तो वो सौदे आड़ती महंगा कर देते सौदे को।